वहीं बड़वानी जिले में किसानों की सूखी फसलों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोर्चा खोल दिया, जहां आदिवासी जिले को सूखाग्रस्त करने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर गेट पर धरना दिया। वहीं जिले में मुआवजे के उचित मांग को लेकर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए रिपोर्ट। बड़वानी में जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान किसान अल्प बारिश से सूखी फसलें हाथों में लेकर पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट गेट बंद करने पर ग्रामीण जनों ने वहीं धरना दिया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक धरने के दौरान पानी तक की उपलब्धता नहीं होने पर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और इसके बाद पानी के लिए ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया। तब जाकर गेट खोले गए, जहाँ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जो देखे वहीं इस दौरान संगठन के नेतृत्व में आदिवासी महिला पुरुषों ने फसल नष्ट होने और मुआवजे की मांग की। आदिवासी किसानों ने कहा कि सूखे की घड़ी में सरकार ने बिजली वितरण को क्यों कम किया, 24 घंटे बिजली के बजाय केवल 7 घंटे ही बिजली हम किसानों को मिल रही है। देखिए, आप जानते हैं कि पानी नहीं पड़ने के कारण पूरे फसल सूख गए हैं। आदिवासियों की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनके वैसे भी पानी के साधन कम थे और ज्वार बाजरा सब सूख गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसी परिस्थिति में शासन ने खुद संज्ञान लेना चाहिए था, कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। तो अभी हज़ारों की संख्या में लोग आए थे यहाँ पर कलेक्टर्स को ज्ञापन देने, शासन और जिला प्रशासन दोनों को ज्ञापन देने कि युद्ध स्तर पर सूखा का एक व्यवस्था किया जाए और ऐसा ना किया जाए जैसे हमेशा होता है कि 200-200 रुपये मुआवजा पकड़ाए जाए और वो तहसील के 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 दौड़ने में ही जो है ख़त्म हो जाता है। तो पुख्ता व्यवस्था किया जाए, बीमा करोड़ों रुपया बीमा कंपनियां निगल चुकी हैं फसल बीमा फसल के प्रीमियम के, वो कहाँ है वो बीमा, कब मिलेगा, किसको मिलेगा, मुआवजा कब मिलेगा, रोजगार चाहिए, आदिवासी क्षेत्र खाली हो रहा है, कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात तक लोग मतलब ट्रक भर भर के जा रहे हैं और गन्ने के खेतों में और ऐसे व्यवसायों में लोग बंधुआ मजदूर बन के रह रहे हैं, वहाँ महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है और वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ये अमृत उत्सव हम मना रहे हैं आज़ादी का और आदिवासी बंधुआ मजदूर बन रहे हैं दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश के आदिवासी। तो यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं खुल रहा है, यहाँ पर रोजगार खुलना चाहिए। रोजगार गारंटी को कम से कम 240 दिन का कर देना चाहिए। 221 रुपये का जो रेट है रोजगार गारंटी के, वो मजाक है आज के महंगाई के ज़माने में। व्यवहारिक रेट 600 रुपये है, तब एक परिवार पनप पाएगा। तो ये सब चीज़ें शासन को सोचनी चाहिए, खुद सोचनी चाहिए, लोगों को आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल लोग आए हैं तो सुनवाई भी तो होनी चाहिए, सुनवाई तक नहीं हो रही है। वन अधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं, राशन व्यवस्था जर्जर है, काम के रोजगार गारंटी या दूसरे रोजगार कामों में न के बराबर काम मिल रहा है और उससे न के बराबर मेहनताना मिल रहा है। तो कैसे जिएंगे, क्या आदिवासी पूरा आदिवासी समाज को मतलब पलायन ही करना ही एक विकल्प है कि पूरे उजड़ ही जाए, पूरे ये इतने लाखों ये वो आदिवासी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा देश के आदिवासियों ने अंग्रेजों से सबसे तीखी लड़ाई की, सबसे ज्यादा। वहीं बड़वानी में किसानों के द्वारा दिए गए इस ज्ञापन के बाद देखना होगा कि जिला प्रशासन के साथ प्रदेश की सरकार अब आगे आने वाले दिनों में क्या संज्ञान लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।